Habits are a reflection of who you are. Aristotle. अरस्तु ने कहा है, हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं. इसीलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है. Our character is formed by our habits. Thoughts create actions. Actions create habits. Habits create character and character creates our destiny. हम सब एक बच्चे के रूप में लाइफ शुरू करते हैं. उस समय हम दूसरों पर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं. दूसरे लोग ही हमें दिशा देते हैं, पालते हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट होने लगते हैं और इस सफ़र में बहुत सारी आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं. जब कोई काम बार बार किया जाता है तो वो हमारी आदत बन जाती है और सबकॉन्शियस में चली जाती है और हमारा एक फिक्स्ड तरीका बन जाता है सोचने का, समझने का, इच्छाएं रखने का. हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनके तौर तरीके हमारे अंदर प्रवेश करने लगते हैं. हमारी सोच इन्हीं पर आधारित होने लगती है. जैसी सोच होगी वैसे ही काम हम करेंगे, जिनसे हमारी आदतें बनती जाएंगी. इन्हीं आदतों से हमारे भविष्य का निर्माण होता है. अगर हमें अच्छी चीज़ों को दोहराने की आदत लग जाए अपनी ज़िंदगी में, तो सोच विचार कर काम भी अच्छे किए जा सकेंगे और हमारा डेस्टिनी क्रिएट होने लगेगा. गुड हैबिट्स हमें बैलेंस करती हैं और बैड हैबिट्स हमारे एम से हमें दूर ले जाती हैं. आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं. राकेश नाम का एक लड़का एक छोटी सी उम्र में ही सिगरेट, शराब का आदि हो गया था. उसकी उम्र सिर्फ 22 की थी. गलत संगत उसे बिगाड़ रही थी. घर वाले उसे टोकते तो मानता नहीं था और कहता कि मैं टाइम आने पर इसे छोड़ दूंगा, लेकिन अब वो नहीं छोड़ पा रहा था. उसने एक काउंसलर की हेल्प ली. उसने काउंसलर के पास देखा कि दो पॉट्स रखे हैं, एक में फ्लावर्स लगे हुए हैं, दूसरे में बस एक बैम्बू स्टिक थी और उसमें सीमेंट भरा हुआ था. काउंसलर ने पूछा, क्या इस प्लांट को अपरूट कर सकते हैं? राकेश ने कोशिश की, मिट्टी को गीला किया कुछ देर और प्लांट को निकाल फेंक दिया. फिर उसे बैम्बू स्टिक निकालने को कहा गया, जिसे वो नहीं निकाल पाया क्योंकि उस पॉट में मिट्टी नहीं सीमेंट था. तो काउंसलर ने समझाया कि कोई भी काम बहुत बार करने से आदत बन जाती है और ये आदत सीमेंट की तरह जम जाती है, तो उसे उखाड़ना मुश्किल होता है. उसके जमने से पहले उसे बदल दिया जाता है तो कष्टकारी नहीं होती और जीवन में फूलों के खिलने की गुंजाइश बनी रहती है. और आदतें बदलने के लिए उससे जुड़े एक्शंस को बदलना होता है. आदतें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं. हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ आदतों को या कुछ एक्शंस को निरंतर करते हैं जो बार बार किए जाने पर स्वचालित हो जाती हैं. मान लीजिए आप एक स्वस्थ सुडौल शरीर चाहते हैं, तो आप जिम जाना या व्यायाम करना या दौड़ना या भागना या योगाभ्यास करना शुरू कर देते हैं और उसे निरंतर करते हुए अपनी जीवन शैली का भाग बनाकर उनकी आदत डाल लेते हैं, तो आपके लिए कहा जाएगा कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं. दूसरी तरफ कोई शख्स शराब पीना शुरू कर दे और समय के साथ अपनी शराब पीने की प्रक्रिया को जारी रखे, तो शराब पीने की आदत लत में बदल जाएगी और उस व्यक्ति को शराब नशेड़ी बना देगी. एक और उदाहरण में, यदि किसी को जुआ या सट्टा खेलते रहने से उसकी आदत पैदा हो जाती है, तो आप उस व्यक्ति को जुआरी या सट्टेबाज कहेंगे. कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने अंदर ही हीन भावना की तृप्ति की इच्छा से डींगे मारने लगते हैं. वे अपनी हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं ताकि उसकी संतुष्टि की इच्छा पूरी हो जाए. वो लगभग हर परिस्थिति में ऐसा करते हैं और बार बार दोहराने से ये भी एक आदत बन जाती है. ऐसी आदत वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? बड़बोला, गपोड़ी, डींगबाज वगैरह वगैरह. इन सब उदाहरणों को देखने का मकसद सिर्फ यह बताना है कि आपकी आदतें लोगों के सामने आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं. वो लोगों के सामने आपके बारे में आपके अंदरूनी पहलुओं को उजागर करती हैं. तो आपकी आदतें आपके
पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसीलिए अच्छी हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो। थैंक यू।